शनि से हम सभी डरते हैं, जनरली सभी लोग डरते हैं, क्योंकि शनि को न्यायाधीश कहा जा सकता है, न्याय का कारक माना गया है, कर्मों के फल का देवता आप कह सकते हैं। जो भी आप कर्म करते हैं जस्टिस शनि ही देते हैं। तो अगर आप बात राहु की करें तो हम कहते हैं कि राहु शनिवत है, यानी कि शनि जैसा ही फल, जैसा शनि वैसा राहु। कुंडली में कई बार ये भी देखते हैं कि शनि की पोजिशन क्या है, उसके हिसाब से राहु का रिजल्ट लोग बताने की कोशिश करते हैं। मतलब एक फैक्टर है जो देखा जाता है। जब भी कोई काम आपके जीवन में खराब होने वाला होता है, या फिर जब भी कुछ आपके साथ नुकसान होने वाला होता है, तो सबसे पहले आपका दिमाग फिरता है, लोग कहते हैं ना मति फिर जाना, तभी आप कोई डिसीजन लेते हैं। कि कुछ भी होता है तो कुछ ना कोई डिसीजन आप ले तो तभी होता है। अब डिसीजन आप कब लोगे, जब आपको कोई काम करना है, और वो डिसीजन कब खराब होगा, जब आपके भाग्य में कोई चीज़ ऐसी हो जो आप नहीं चाहते हैं बट वो मिलना है। तो कहने का मतलब है कि डिसीजन आप लोगे कैसे, अगेन आपके दिमाग से लोगे, तो माइंड से ही सोचोगे ना, तो माइंड दिमाग आपका फिरेगा तभी कुछ ऐसे डिसीजन आप लोगे जो उस समय आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि भ्रम है ना। मान लीजिए आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपको अच्छा पैसा आ रहा है, अब उसके ऊपर राहु और शनि का काम ऑलरेडी चल रहा है, आपने क्या कि आपको लगा कि और ज़्यादा पैसा आएगा, आपने और बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया और फिर आपका नुकसान होना चालू हो गया। तो क्या किया शनि ने, शनि को आपके कर्मों का हिसाब देना था, तो राहु को अपॉइंट किया गया। राहु ने भ्रम की स्थिति पैदा की कि आप ये करेंगे तो और ज़्यादा फायदा होगा। भ्रम कैसे बनेगा, पहले आपको थोड़ा लालच देके, है ना, क्योंकि राहु जो है आपका मेटेरिस्टिक डिजायर्स भी है, तो आप भ्रम की स्थिति में आए, आपने और ज़्यादा इन्वेस्ट किया, और फिर जब आपको नुकसान हुआ तो आपको तकलीफ हुआ, क्योंकि आप बहुत ऊपर से गिरे। अगर आपको 100 रुपये का नुकसान होगा उतनी तकलीफ नहीं होगी, लेकिन 1 लाख रुपये चले जाए तो आपको तकलीफ होगी, और ज़्यादा अगर आपको तकलीफ झेलना है तो भी ज़्यादा नुकसान चाहिए, यानी ज़्यादा ऊपर से गिरोगे तो ज़्यादा चोट लगेगी। ये अब 3 अक्टूबर को ऑलरेडी ट्रांजिट हो चुकी है शनि की, कहाँ हुई है, सतविशा नक्षत्र में हुई है, जो कि रूल्ड बाय राहु है। और इस पर बहुत सारे वीडियो बने हैं कि इस राहु करेंगे तांडव, और बहुत सारे थंबनेल आपने देखे होंगे। इसको सिंपल भाषा में आप समझिए कि राहु सतविशा नक्षत्र को रूल करते हैं, और जो नक्षत्र है उसके जो सब लॉर्ड हैं वो वरुण देवता है, जिनको जस्टिस और ट्रुथ का लॉर्ड कहा जाता है। अब स्ट्रॉन्ग हीलिंग एनर्जीज की जब हम बात करेंगे, इस चीज़ से इसको जोड़ के देखता है, बट क्या आप उस एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए तैयार हैं, क्या आपने वो स्टेप लिया है। तो ये 82 डेज वही समय है, इस हीलिंग एनर्जी से आपको जुड़ना है। वो आप तभी कर सकते हैं जब आप पुरानी आदतें छोड़ेंगे, आप वो तभी कर सकते हैं जब अपने आप को आप लेट गो करेंगे, एक फ्री महसूस करवाएंगे, फिर आप चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे। तो इस एनर्जी जो हीलिंग एनर्जी जो एक ब्रह्मांड में एक कॉस्मिक इवेंट जो बना है, उससे जुड़ने के लिए आपको सरेंडर करना पड़ेगा, और आपको सेक्रीफाइस उन चीज़ों की करनी पड़ेगी जो आपको पीछे खींच रही है। और सतविशा नक्षत्र का अगर आप सिंबल देखें तो एक एम्प्टी सर्कल है, तो ये पोटेंशियल को भी दर्शाता है और रिस्ट्रिक्शन को भी दर्शाता है। सर्कल जो है एक पोटेंशियल भी है ना, चीज़ें घूम रही हैं और वहीं पहुँच रही हैं, और एक रिस्ट्रिक्शन भी है उनके लिए, रिस्ट्रिक्शन भी है, वो अगर सर्कल के अंदर है तो बाहर नहीं जा सकता। और जिनकी डॉटेड लाइन चालू है उनके लिए एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है और फिर से वही सर्कल बन रहा है। जो उस सर्कल को फॉलो कर रहे हैं उनके लिए तो ये पोटेंशियल है, बट जो उस सर्कल के अंदर है उनके लिए रिस्ट्रिक्शन है। तो नक्षत्र का रिजल्ट जो है वो सबके लिए एक बराबर नहीं होगा। ऐसा नक्षत्र के मीनिंग को आप समझें तो उसका मतलब है 100 हीलर्स, यानी कि 100 जो चिकित्सक हैं। हीलर मतलब कौन, जो आपको हील करने की कैपेसिटी रखता है ना। सतविशा नक्षत्र 100 हीलर्स के बराबर है। जनरल टर्म्स में समझे आज की डेट में हीलर्स कौन है, बहुत सारे मेंटल हीलर्स हैं, या फिर आपके यहाँ डॉक्टर्स जो हैं वो भी एक तरीके से हीलर हैं, बहुत सारे स्पिरिचुअल हीलर्स भी हैं, जो रेकी वगैरह जैसे एक कॉन्सेप्ट है कि रेकी में हीलिंग दी जाती है, इस तरीके से बहुत सारे हीलिंग हिप्नोसिस भी एक तरीके का हीलिंग प्रैक्टिस है। वरुण देव जो हैं वो जस्टिस को रूल कर रहे हैं, यानी कि एक तरीके से जो कोई भी सिस्टम जब वो ऑर्गेनाइज नहीं होता तो वरुण देव खास करके जस्टिस की बात करें तो उसको वो सेटअप करने का काम करते हैं, उसको रीवायर करते हैं, उसको रीएस्टेब्लिश करते हैं कि तुरंत जो है रीएस्टेब्लिश हो सके, तुरंत जो है सामने आ सके। आप देखिए सैटर्न अगर रेट्रोग्रेड है ना, तो जो डीप सीक्रेट्स हैं कुछ लोगों के वो बाहर आएंगे। अगर आपने कुछ गलत काम अपने जीवन में किया है और आपको लगता है किसी को नहीं पता है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना उन सच को बाहर लेके आएगा। वरुण देव और जो ये नक्षत्र है इसकी जो एनर्जी है ना वो सैटर्न के एनर्जी से कहीं ना कहीं परफेक्टली अलाइन होती है, बिल्कुल मैच करती है, क्योंकि एक कर्म के फलदाता है, एक जस्टिस को रिस्टोर करने वाले, और सैटर्न जो है सतविशा नक्षत्र जो हीलिंग को दिखा दर्शाता है एक तरीके से। तो आप हीलिंग की बात कर लें, कर्म के फल की बात कर लें, और एक ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर लें, और जस्टिस को रिस्टोर करने की बात कर लें, तो इन सब का जो कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है उनके लिए जो सही रास्ते पर चल रहे हैं। वरुण देव का जो कनेक्शन ट्रुथ से है ना, चाहे वो सोसाइटी लेवल पे हो चाहे पर्सनल लेवल पे हो, वो उस सारे चीज़ को बाहर लेके आएंगे अगर कोई सीक्रेट है तो, क्योंकि वाटर का काम प्यूरीफाई भी करना है, तो चीज़ें प्यूरीफाई होकर निकलेंगी।
प्यूरिफाई होने के लिए चीजों को पहले बाहर आना पड़ेगा, जितनी भी छुपी हुई गंदगी वो भी सारी बाहर आएगी, तो सीक्रेट जो है सारे बाहर आने लग जाएंगे और ये रिवील होगा। शनि इस नक्षत्र के ऊपर ट्रांजिट कर रहे हैं तो इस नक्षत्र के क्वालिटी को वो ट्रांसफॉर्म करेंगे। अब इस नक्षत्र में अगर हीलिंग क्वालिटी है, अगर आप सॉफ्ट लॉर्ड की बात करें, जैसा मैंने कहा कि रीस्टोरिंग ट्रुथ की बात है, रीस्टोरिंग जस्टिस की बात है, शनि कर्म के फलदाता होके इस नक्षत्र के क्वालिटीज को इतना बढ़ा देंगे, इस समय आप देखेंगे कि जिन लोगों ने जीवन में लोगों की मदद करी है, जिन लोगों ने अच्छा किया है, अच्छे कर्म का फल उन लोगों को बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा। लेकिन जिन लोगों ने नुकसान करके या फिर अपने फायदे के लिए दूसरे को धोखा दिया है या फिर कुछ ऐसे चीज़ें छुपा के रखी हैं जिससे लोगों का नुकसान हुआ है, इस समय वो सारे जो सीक्रेट्स हैं, सारे जो ट्रुथ हैं, वो सारे बाहर आने वाले। अपने जीवन में आपने पर्सनल चैलेंजेस फेस किए हैं, है ना, जो भी चीज़ें आपके जीवन में लगातार होती आ रही हैं जिससे आपको लग रहा है कि आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, तो ये एक तरीके से ये जो ट्रांजिट है ये एक पोर्टल की तरह काम करेगा जो आपको ट्रांसफॉर्म करने में मदद करेगा। आप और देखिए, जब हम ट्रांसफॉर्म की बात करते हैं तो आसान नहीं होता, ट्रांसफॉर्म ईजी नहीं होता, क्योंकि उसका एक स्टेप बाय स्टेप है। जब भी कोई चीज़ बदलाव जीवन में आती है तो आप एक दौर से गुजरते हैं, वो सारी चीज़ें आपके फेवरेबल में नहीं हो सकती है। वो जो पर्सनल चैलेंजेस आप फेस कर रहे थे, आई थिंक ये उसका फाइनल स्टेज है। खास करके अगर आप स्कॉर्पियंस की बात करें, कर्क राशि वालों की बात करें जो ढैया में इस समय गुजर रहे हैं, तो उनके लिए मान के चलिए जो लास्ट का 6-6 महीना है, ये जो चीज़ है ना, ये भी उसमें कहीं ना कहीं आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन का ही काम करने वाला है। जब हीलिंग की बात आएगी, ट्रांसफॉर्मेशन की बात आएगी, तो कभी भी संभव नहीं है जब तक आप अपने ऑब्स्टेकल्स को ओवर पावर नहीं कर लेते। कहने मतलब, अगर आपको एक छोटी सी आदत स्मोकिंग की ही क्यों नहीं है, और अगर आपको वो छोड़ना है क्योंकि वो आपको हीलिंग की तरफ लेके जा रहा है, तो ये एक भी चैलेंज है, वरना सभी आसानी से छोड़ सकते थे। ये भी एक ऑब्स्टेकल है आपके बीच में, आपके हीलिंग के बीच में एक ऑब्स्टेकल की तरह काम करेगा। तो उसको जब तक आप ओवरकम नहीं करेंगे तब तक आप हील नहीं हो पाएंगे। लेकिन जिस दिन आपने कर लिया, वो तो चैलेंजेस आपने फेस किए, क्योंकि आपको ही फेस करना है, तो ये नक्षत्र जो है ये भी दर्शाता है कि जो चैलेंजेस आपके जीवन में है वो आपको ही फेस करना है। आप किसी से उम्मीद ना रखिए, खुद कोशिश कीजिए। ऐसा भी होगा कि जो पुराने दर्द हैं, चाहे इमोशनल दर्द हो चाहे फिजिकल दर्द हो, वो भी इस समय बाहर आएंगे, क्योंकि वो तभी हील होगा। बहुत सारे ऐसे दर्द हैं जो अनअटेंडेड है, कहीं ना कहीं आपके अंदर वो चीज़ है। ये समय बहुत सारे मौके भी मिलेंगे जब वो सारे दर्द पुराने छुपे हुए बाहर निकलेंगे, क्योंकि जब तक निकलेंगे नहीं तब तक वो हील होगा नहीं। लेकिन अगर वो निकलने के बाद आपके साथ वो रह गए, फिर ना आपने उसको साथ में कंटिन्यू किया, तो वो दर्द आपको और नासूरबन की तरह आपके साथ रहेंगे। लेकिन उसको हैंडल कैसे करना, यही तो इम्पोर्टेंस है कि आपको उस दर्द को इस तरीके से करना है ताकि वो हील हो जाए, ना ही कि वो आपके साथ रहने के लिए आ जाए। रेट्रोग्रेड सैटर्न का भी यही काम है, वो आपको थोड़ा सा स्लो डाउन करता है इंट्रोस्पेक्शन के लिए, खुद के अंदर झांकने के लिए, अपने डिसीजन को खुद ही देखने के लिए कि जो आपने किया है पहले वो सही है क्या। वो इसलिए भी होता है ताकि आप अंदर झांक के उस चीज़ को बदलने की कोशिश करें। एक तरीके से ये सेल्फ रिफ्लेक्शन भी है, एक तरीके से ये सेल्फ हीलिंग भी है, एक तरीके से खुद को समझने का भी समय है, क्योंकि यही समय है जहां आप अपने साथ थोड़ा समय बिताइए और अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर ऐसा हुआ ही क्यों। अगर कुछ गलत हो रहा है आपके जीवन में तो क्यों हुआ, कहां आप गलत रहेंगे। अनरिजॉल्व इमोशंस जो हैं, जो आप लेके चले जा रहे हैं, एक बोझा जो इमोशन का आप लेके चल रहे हैं, आप लेट गो नहीं कर रहे हैं, पीछे नहीं छोड़ रहे हैं चीज़ों को, ये वो समय है हीलिंग करने का। ये जो समय है ना, आपके पास्ट एक्शंस को भी रिजॉल्व करने का समय है। जो भी आपके अनरिजॉल्व कर्मास जो आपके साथ चले आ रहे हैं उसको भी रिजॉल्व करने का ये सही समय है। तो ये 82 डेज आपको अच्छे तरीके से हीलिंग के लिए यूज करना है। अपने आप आपके जो एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज हैं, जो मॉनेटरी चीज़ें हैं, मटेरियल डिजायर्स हैं, उसको ये आपके जीवन से थोड़ा कट ऑफ करेगा। अभी आपको बोलेगा कि अब ये सही समय है जहां आप एक्चुअल जो आपकी हैप्पीनेस उसकी तरफ जा सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ना पड़ेगा, कुछ आदतें छोड़नी पड़ेंगी, कुछ अंदर अपने झांकना पड़ेगा, कुछ पास्ट एक्शन जो आप लिए हैं उसके प्रति आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि आपने क्यों किया, कैसे हुआ, और खुद को इवेल्यूट करना होगा। दुनिया को इवेल्यूट करने की जगह, दुनिया को क्रिटिसाइज करने की जगह, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का समय है कि सेल्फ एवोल्यूशन आपको करना है, अपने अंदर झांकना है। जो चीज़ आप बाहर ढूंढ रहे हो, बाहर है ही नहीं, वो अंदर है। मजे की बात यह है कि 9 अक्टूबर से जुपिटर भी आपके रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, तो एक कर्म के फलदाता जो जस्टिस को बनाए रखने की क्षमता रखते हैं, कर्म का फल देते हैं, और जुपिटर जो विजडम, नॉलेज और वेल्थ का कारक है, नॉलेज बेसिकली मैं कहूँगा गुरु है, वो भी 9 अक्टूबर से रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। तो कह रहे हैं मतलब ये जो समय है ना, मटेरियल पोजिशन का तो है ही नहीं, ये समय है पूरा किस तरीके से आप अपने आप को उस योग या किसी चीज़ का पात्र बनाते हैं, किस तरीके से खुद को प्योर करते हैं चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए, किस तरीके से खुद को माफ़ करते हैं, सामने वालों को माफ़ करते हैं, एक मेंटल जो बैगेज आप लेके चल रहे हैं उसको किस तरीके से आप क्लियर करते हैं, जो इमोशनल बैगेज है आपके अंदर,
वो आपको किस तरीके से पीछे खींचा, उन चीजों को क्लियर करने का एक्चुअल में कहूँ तो ये सही समय है हीलिंग का, स्पिरिचुअल हीलिंग, मेंटल हीलिंग, फिजिकल हीलिंग, किसी भी तरह की हीलिंग ले लीजिए, आपको ये समय वो करके। और इसका अगर संबंध नवरात्रि से हो रहा है तो एक तरीके से डीप ट्रांसफॉर्मेशन का है, डीप स्पिरिचुअल हीलिंग का भी है, तो आप उसको यूज कीजिए। जो देवी का पावर है वो जो ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है ना, इसके इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं, एक तरीके से इसको एक आकार देते हैं। इसलिए कई बार देखते होंगे कि जो साधनाएं चलती हैं वो नवरात्र में ही चलती हैं, क्योंकि इस समय का किया गया प्रभाव जो है ना वो काफ़ी होता है। वहीं अगर अपने हीलिंग को, सेल्फ हीलिंग को अगर आप मेडिटेशन के रूप में, देवी की प्रार्थना के रूप में डेली एक रूटीन बनाते हुए अगर आप इन्वॉल्व करते हैं, तो इसमें हीलिंग में भी आपको इसका फायदा होने वाला है। सतविशा का जो हीलिंग एनर्जी है ना, वो शनि के कार्मिक एनर्जी से कहीं ना कहीं जुड़ने वाला है। अब इसके लिए मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल एडवाइस देता हूँ। सबसे पहले आप पेशेंस को प्रैक्टिस कीजिए। इस समय पेशेंस को जो आप प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ी ठहराव जीवन में आपको आएगी। ट्रुथ को फेस करें, कोई भी सच्चाई आपके जीवन में चल रही है जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो सबसे पहले उसे एक्सेप्ट कीजिए। जब चीज़ों को आप एक्सेप्ट करते हैं तभी चीज़ें बदलती भी हैं। इसी तरीके से बहुत ऐसी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं जहाँ आपको ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है, जहाँ आपको लगता है कि पुरानी चीज़ जो आप कर रहे हैं उससे काम आपका नहीं बन रहा है, एक ही काम को आप एक ही तरीके से किए जा रहे हैं, फिर आप रिजल्ट की उम्मीद कर रहे हैं कि रिजल्ट कुछ अलग हो, तो नहीं मिलेगा। तो इस समय ट्रांसफॉर्मेशन का भी है, इस समय सोचने का भी है, इस समय नई तरीके से सोचने का है। मजे की बात यह है कि 9 अक्टूबर से जुपिटर भी आपके रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, तो एक कर्म के फलदाता जो जस्टिस को बनाए रखने की क्षमता रखते हैं, कर्म का फल देते हैं, और जुपिटर जो विजडम, नॉलेज और वेल्थ का कारक है, नॉलेज बेसिकली मैं कहूँगा गुरु हैं, वो भी 9 अक्टूबर से रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। तो कह रहे हैं मतलब ये जो समय है ना मेटेरियल पोजिशन का तो है ही नहीं, ये समय है पूरा पूरा किस तरीके से आप अपने आप को उस योग या किसी चीज़ के पात्र बनाते हैं, किस तरीके से खुद को प्योर करते हैं चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए, किस तरीके से खुद को माफ़ करते हैं, सामने वालों को माफ़ करते हैं, एक मेंटल जो बैगेज आप लेके चल रहे हैं उसको किस तरीके से आप क्लियर करते हैं, जो इमोशनल बैगेज है आपके अंदर वो आपको किस तरीके से पीछे खींच रहा है, उन चीज़ों को क्लियर करने का एक्चुअल में कहूँ तो ये सही समय है हीलिंग का, स्पिरिचुअल हीलिंग, मेंटल हीलिंग, फिजिकल हीलिंग, किसी भी तरह की हीलिंग ले लीजिए, आपको ये समय वो करके देखा। तो 82 डेज आप सिर्फ इसी पे फोकस कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।